गाइस वेलकम बैक टू द अनदर डे अनदर ब्लॉग। सो आज मैं और प्रज्ञा जा रहे हैं, बहुत अच्छी जगह। तो हम अभी आपको सारी डिटेल्स देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बोलना चाहिए क्या? एमकेटी ढूंढते रहो कि एमकेटी क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग सारी यहाँ से देखते हैं कैसे जाएं, क्या करें, उसके बाद सारी चीज़ें हम लोग आपको जो है इस ब्लॉग में बताते रहेंगे। ये भाई मोटा पैसा बोल गया। अभी हम लोग जा रहे हैं, शूज वूज दिखाते हैं, सारी चीजें आपको दिखाते हैं, उसके बाद जो पसंद आएगा वो लेंगे और बात करेंगे। बाय। हाय, शोर सुन के आपको पता चल गया होगा कि भैया मजनू का टीला बबल सो गई थी गाड़ी में। तो अभी दिखाते हैं, चलो चल के अभी तो चढ़ो फिर उतरो, वहाँ से स्टार्ट होगा। सो गाइस आई डोंट नो आप सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो, बट वी आर इन मजनू का टीला। सो मैंने अब व्लॉग स्टार्टिंग करी थी व्लॉगिंग, तो सबसे पहले मैं इधर आया था। अब मैं आया हूँ यहाँ पर एक डिटेल वीडियो बनाने कि यहाँ क्या क्या कैसे कैसे कब कब और कितने अच्छे उसमें मिलेगा। और यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर हमें मिले जिनका कोई नाम पहचान नहीं है शायद, और हम इन सब बस सड़कों को छोड़ के चलते हैं आगे अपने मेन फोकस जो हम लेने आए हैं, शूज जैकेट वैकेट एंड शॉपिंग करने। पतली पतली गलियों से होते हुए निकलना पड़ेगा यहाँ पर हमें। जूते ही जूते, कैसा लग रहा है पोपल तेरे को? यहाँ पर खाने का भी बहुत सारा सामान है। कोरियन फूड, कैफेज, यहाँ के लोग बढ़िया है। गली में ऐसा कुछ भीड़ लग गई थोड़ी सी। यहाँ ऐसे कुछ पजामे लोअर सबको मिल सकते हैं। ऋषिकेश वाइब्स, तिब्बतन वाइब्स, कौन कौन सी वाइब्स आ रही हैं पत्ती पत्ती गली में। अभी हम दो चार जगह जा चुके हैं बट हमें कुछ भी पसंद नहीं आया है। इतनी सारी वैरायटी है पर वो बहुत कॉमन है, मतलब हम जो दो हाँ अब कुछ कॉमन था, बट देखने लायक बहुत जगह। अगर कोई घूमने आना चाहे तो हाँ वेरी वेरी गुड। अभी देखते हैं, कुछ क्राउड है अगर आप संडे को आते हो तो। वी आर सो कन्फ्यूज एंड दिस इज सो कन्फ्यूजिंग गाइस। नहीं आ रहा है गाइस यार, लिटरली ये बहुत कन्फ्यूजिंग सा हो गया है। हम गाइस घूम ही रहे हैं अभी, कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है। यहाँ पर बहुत कैफेज हैं जो कि बहुत बहुत अच्छा, कपल के लिए तो भाई बहुत बढ़िया जगह है। बाकी पूरा तिब्बतन मार्केट है, काइंड ऑफ कलर एक ब्लैक एंड रेड है। तो अभी हम स्टिल ढूंढ रहे हैं बट हम इस तरफ आ गए हैं। ये देखिए ऐसा लग नहीं रहा कि मैं इंडिया हूँ, लग रहा है कि मैं बाहर से पते पत आ गया है ना पोपल। इसमें है योगेश 44 है ना, ये वाला सूट करना है भाई। कितने का है ये 44 देना है? कुछ कुछ ले लिया है बहुत मेहनतों के बाद हमने। फाइनली हमने बहुत सारा सामान ले लिया है। देखो
बाकी घर चल के दिखाएंगे, अभी बहुत मतलब रश आवर हो रहा है और हम जल्दी भी है थोड़ी। बहुत मोटा पैसा खर्चा हो गया बताऊंगा तुम्हें। गाइस सारी शॉपिंग डन हो चुकी है, वीडियो बनाना एक्चुअली वहाँ अलाउड नहीं था बट हमने नहीं बनाई थी, थोड़ी थोड़ी क्लिप बना ली है। बाकी हमने ऑलमोस्ट 4 बॉक्स ले लिए, मतलब 3 जोड़ी जूते और एक मेरे जिम का जो मेरे को लेना है वो, और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको वैसे घर पे दिखा दूँगा, काफ़ी अच्छा था। पर यहाँ के लिए मेरे को एक डिटेल्ड ब्लॉग और बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कवर कर सकता हूँ जो कि लोगों को नहीं पता है, जैसे खाने के लिए ये हो गया, देन यहाँ पर कपड़े वगैरह की भी मार्केट बहुत अच्छी है, तो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे हम और बता भी देंगे आपको। बाकी घर पे जाके थोड़ा एक बार दिखा भी दूंगा मैं, और तब वहाँ पर जो है ब्लॉग को एंड कर देंगे। अभी के लिए बाय गाइस। फाइनली गाइस जैसे तैसे हम लोग जो है ना घर पहुँच चुके हैं, और देख रहे हो देखिए सारी शॉपिंग, बहुत मोटा दिखाएंगे आपको। टाइम फॉर द हॉल एयर फोर्स वन। Nike Air. Same मेरे जैसे ही है।